बस 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 भाई बस, पीछे पीछे घूम के पढ़ाई हो रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और बजा रही हूँ। मैं आयुष्मान को ला देती हूँ। आयुष्मान का छोड़ी, आज मैंने गई थी, अजय गए थे, इसलिए मैंने कुछ भी वीडियो बनाया नहीं। अभी तक पूरी तरह से तबीयत ठीक नहीं हुई है। मतलब तबीयत आराम तो लग रहा है मुझे, लेकिन थकावट बहुत लग रही है। तो बजा रही हूँ आयुष्मान को लेके आती हूँ, फिर देखती हूँ कुछ रहेगा तो आप लोगों से जरूर शेयर करूँगी। चलिए शेयर करते हैं आयुष्मान को लेकर। पर्स कहाँ है मेरा? इतनी तबीयत ख़राब है कि कुछ बोल रही हूँ तो बोल नहीं पाती हूँ ठीक से, इसलिए ज़्यादातर चुप रहने की कोशिश करती हूँ। पर क्या करें, ब्लॉग्स में चुप तो नहीं रह सकते ना, कुछ ना कुछ बोलते ही रहना पड़ेगा, इसलिए वॉइस ओवर कर देती हूँ। तो गणपति बप्पा और माता रानी के दर्शन कर लीजिए सभी लोग, मैं भी कर लेती हूँ। तो अभी आयुष्मान को स्कूल से लेके आ चुकी हूँ, डॉली और आदि भी आ गए कॉलेज से। बाय बाय। चलो बाय 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 गणपति पप्पा, बाय बाय माता रानी। तभी घर पे पहुंचने के बाद में मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। आज मैं बना रही हूँ रसेदार आलू की सब्जी और राइस। तो मैंने अभी प्याज कट करके उसे भून लिया है और उसमें टमाटर भी ऐड कर दिया है। टमाटर को भी अच्छी तरह से भून लेंगे, नमक भी डाल देंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए, जल्दी से गल जाए। और उसके बाद में उसमें मसाले ऐड करेंगे, मसालों को भी भून लेंगे अच्छी तरह से। मसाले भून जाने के बाद में उसमें आलू डाल देंगे। मैंने आलू को बॉईल करके कट करके रख लिया है, तो वो अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और पानी भी मैंने थोड़ा गर्म करके ही रख लिया है ताकि इसमें डालूं और फटाक से मेरी सब्ज़ी बनके रेडी हो जाए, क्योंकि टाइम नहीं बचता है, बच्चे लोगों को भूख लगी हुई है। तो मैंने सोचा फटाफट बना लेती हूँ और आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी और आप लोगों से बोल भी रही थी कि अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊँगी, लेकिन आप लोग किसी ने कमेंट नहीं किया, तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों को दिखाई देती हूँ कि मैं कैसे बना रही हूँ। अवली को बहुत ज़ोरदार भूख लगी है, इसलिए आगे पीछे घूम रही है और बार बार पूछ रही है, बोल भी रही है कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मम्मी बहुत अच्छी सी सब्ज़ी बन रही है, जल्दी बनाओ मुझे भूख लगी है। सब्ज़ी बन के रेडी हो चुका, सभी ने खाना वगैरह खा लिया है, अजय भी खाना वाना खा के जा चुके हैं, मैंने भी खा लिया। थोड़ा आराम करने के बाद में मैंने सोचा चलो कपड़ा कट करके रखा है तो फटाफट इसे स्टिच कर लेती हूँ और आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कैसे स्टिच कर रही हूँ। काम करने का स्पीड मेरा बहुत स्लो हो गया, क्योंकि मैं एक दिन कटिंग कर रही हूँ, दो दो तीन तीन दिन लग जा रहा है मुझे स्टिचिंग करने में। कुछ समझ में नहीं आ रहा इतना डिले क्यों कर रही हूँ मैं हर एक काम को, पता नहीं कुछ अजीब सा ही लग रहा है मुझे। मुझे खुद के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है कि मैं इतना डिले कर रही हूँ, कभी मैंने इतना डिले किया नहीं है। शॉप चालू करना है मुझे, शॉप में भी ऐसा ही काम करूँगी तो हो जाएगा मेरा कल्याण, क्योंकि फिर मैं तो रेंट भरते ही रह जाऊंगी। अजय से ही बोलना पड़ेगा रेंट भरने के लिए, क्योंकि काम तो मेरा मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। जब से यहाँ पे आई हूँ ना एकदम हालत ख़राब हो गई है और काम में इतना लेज़ीपना आ गया है ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। जब नीचे रहती थी ना तो दिन भर में मैं 3-4 ब्लाउज तो कटिंग करके स्टिचिंग कर ही लेती थी अगर आता था काम तो। यहाँ पर तो उतना काम भी नहीं आ रहा है और जो थोड़ा बहुत है वो हो भी नहीं पा रहा है मुझसे, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँगी। YouTube में भी कुछ भी नहीं हो रहा है और यहाँ पर भी कुछ भी नहीं हो रहा है, दिमाग काम करना मेरा बंद कर चुका है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कितनी मेहनत कर रही हूँ पर मेरी मेहनत कहीं सफल नहीं हो रही है, बहुत अजीब सा लगता है। ऐसा कुछ होता है ना तो बहुत अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे अंदर ना अभी एक अजीब सा डर धीरे धीरे आ रहा है कि शायद मैं ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। कोशिश बहुत करती हूँ पर कुछ कर नहीं पा रही हूँ, तो वो अंदर से ना मुझे धीरे धीरे वो मेरे अंदर स्टार्ट हो चुका है। कभी कभी अकेली बैठती हूँ ना तो बहुत सोचती हूँ और सोचते सोचते फिर सर फटने लगता है मेरा, डिप्रेशन जैसा फील होने लगता है। ऐसा लगता है कि शायद मैं ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, ऐसे ही मर जाऊँगी। पर फिर सोचती हूँ मरने से पहले नहीं मरना है, कोशिश करते रहना है, देखेंगे जो होगा सो होगा, अभी के लिए फ़िलहाल कोशिश करते रहना है। ऐसा सुना है मैंने कि कोशिशें कामयाब होती हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, पर अभी पता नहीं, अभी तो सिर्फ कहावत ही लग रहा है। अगर सच हुआ तो समझ जाऊंगी कि ये सच है, कहावत नहीं है, किसी ने अपने एक्सपीरियंस से बनाया है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो समझ जाऊंगी कि किसी ने अपना दिल बहलाने के लिए बनाया हुआ है। ब्लाउज बन के रेडी हो चुका है। पढ़ाई कहाँ कहाँ हो रही हो, दिखा रही हूँ ऑडियंस को, पता चलना चाहिए ना, पीछे पीछे घूम के पढ़ाई हो रही है। बस 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 भाई बस, ऐसे ही पूरे घर में घूम घूम के पढ़ाई करता है। और जैसे ही मैं कैमरा उठाती हूँ कुछ शूट करती रहती हूँ तो इसको लगता है बस इसको ही रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो अभी रात हो चुकी है और आज मैं आप लोग ज़्यादा कुछ वीडियो बना नहीं सकी आप लोगों के लिए, क्योंकि घर में पढ़ाई चालू है
और सब लोग पढ़ाई में बिजी है। मुझे हॉल में सब लोग पढ़ रहे हैं, बेडरूम में जा के सो गए हैं, तो मुझे अभी यहाँ के किचन में बनाना पड़ रहा है वीडियो। ब्लॉग के एंड कर देती हूँ यहीं पे, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना रहेगा, आयुष्मान को ले जाके छोड़ना रहेगा। इधर बहुत आवाज़ आती है भाई। तो एग्ज़ाम के टाइम पे आप लोगों को यही सब देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मैं ज़्यादा बना ही नहीं पाऊँगी। ये लोग चिल्लाने लगते हैं, अगर मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ तो लोग चिल्लाने लगते हैं दरवाज़ा बंद करो, दरवाज़ा बंद करो, या फिर आप यहाँ से जाओ, क्या दिखा रहे हो। लोगों को नहीं पता चलना चाहिए कि हम लोग बहुत मेहनत करके पढ़ रहे हैं, ऐसे लोग बोलते। लोगों को मत बताओ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए आजकल के बच्चे ना। तो अभी खाना वाना बन गया है, सबने खाना वगैरह खा लिया है, सबने खा लिया, मैंने नहीं खाया है, भूख नहीं लगी अभी, पता नहीं क्यों भूख नहीं लग रही है, पर खाना खाना पड़ेगा ना। तो चलिए जल्दी जल्दी मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बना के लाती रहूँ और आप लोगों को एंटरटेन करती रहूँ। तो आज लाइव गई थी मैं, और आज लाइव में बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारी बातें हुई लोगों से, तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग प्लीज़ जाके लाइव देख लेना, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, अपना अपना ध्यान रखिए।